आइए मित्रों, मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं और बुलाना चाहता हूं एक और अपने हरिद्वार की कवित्री रितिका को। चार पंक्तियां मुझे याद आती है पंडित ईश्वरचंद गंभीर जी की, कि समंदर से, विशाल जी, के समंदर से ना उसकी गहराई से डरता हूं, समंदर से ना उसकी गहराई से डरता हूं, मेरे जो साथ चलती है मैं परछाई से डरता हूं, और जली जली ससुराल से लाए हैं बेटी जब से चाचा जी। इससे बड़ी नारी विथा की पीड़ा की एक पंक्ति नहीं हो सकती कि जली 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 ससुराल से लाए हैं बेटी जब से चाचा जी, मैं शादी ब्याह में बसती सहनाई से डरता हूं। आपकी तालियां कमजोर है रितिका के लिए, मैं चाहता हूं और तालियां उठे। रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत ही हार्दिक अभिनंदन। एक बार फिर से मैं द स्टेज ऑफ आर्ट की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं सर प्रथम वीणा को प्रणाम करती हूँ और चार पंक्तियाँ सुनिए। स्वागत स्वागत। दिया जो ज्ञान है तूने, बहुत आभार है तेरा। दिया जो ज्ञान है तूने, बहुत आभार है तेरा। शुक्रिया दिल से करती हूँ, 900 बार है मेरा। कृपा तेरी हुई जब से मैं लिखती और गाती हूँ। कृपा तेरी हुई जब से मैं लिखती और गाती हूँ। चुकाऊंगी भला कैसे, बड़ा उपकार है तेरा। चुकाऊंगी भला कैसे, बड़ा उपकार है तेरा। मैं चार लाइनें आप तक पहुंचाती हूं। आप हमारे कार्यक्रम में तब आए जब कार्यक्रम समाप्त हो गया, तो सर की शिकायत है मुझसे, लेकिन आज ये कार्यक्रम समाप्त होने तक बैठेंगे। बिल्कुल, मेरे वाले कार्यक्रम में भी आप नहीं है, वो भी आपका बैठना है आपको। तो मैं चार पंक्तियां आपकी, आप सभी की गौरवमय उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। सुनेगा सभी, दिल थाम कर बैठो, सुनो जो कहने। सभी दिल थाम कर बैठो, सुनो जो हम सुनाते हैं। जरा सा तुम कहो अपनी, जरा सी हम बताते हैं। अगर अच्छा लगे तुमको तो करना वाह जी भर के, हम अपने यहाँ महफिल सजाते हैं। और चार लाइनें मैं आप तक पहुँचाती हूँ, सुनेगा। वफा की रीत के नगमे, सभी को तुम दिखा जाना। सॉरी, वफा की रीत के नगमे, सभी को तुम सिखा जाना। मिटा कर यार खामोशी, नजर मुझसे मिला जाना। दबा कर सांस बैठी हूँ, दुआ बस एक है दिल में। मोहब्बत सिर्फ मुझसे है, जमाने को दिखा जाना। ऐसा ऐलान एक लड़की कर सकती है, वो भी हरिद्वार की। एक बार जोरदार तालियां बजाओ साहब, और सामने जब पिताजी बैठे हो तब यह ऐलान करें तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार जोरदार तालियां रितिका के लिए बजाइए साहब। बहुत खूब। हवा ठंडी चले जब भी, मुझे वो याद आता है। दीपक पांडे जी सुने। हवा ठंडी चले जब भी, मुझे वो नजर के सामने रहता, मुझे कितना सताता है। मैं लिखती हूँ उसे हरदम, वही तो प्यार है मेरा। वो मेरे गीत में हंसता, गजल में मुस्कुराता है। वो मेरे गीत में हंसता, गजल में मुस्कुराता है। बस अपना एक छोटा सा गीत मैं आपके सामने रख रही हूँ, उसके सिर्फ दो बंद, क्योंकि समय का अभाव है और भी बड़े कवियों को सुनने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हैं, तो सुनेगा।
यू पास आकर के दूर जाना, कहाँ से सीखा सिखा दो मुझको, यू पास आकर के दूर जाना, कहाँ से सीखा सिखा दो मुझको, तैयार कब से खड़ी हुई हूँ, तैयार कब से खड़ी हुई हूँ, कहाँ हो तुम ये बता दो मुझको, यूं पास आकर के दूर जाना, कहाँ से सीखा सिखा दो मुझको। और अपने गीत का पहला बंद मैं आपके सामने रखती हूँ, सुनेगा सुनो फिजाई, धन्यवाद। सुनो फिजाई बुला रही है ये प्रेम के गीत गा रही है, सुनो फिजाई बुला रही है ये प्रेम के गीत गा रही है, कसम हमारी है मीत अब तो, कसम हमारी है मीत अब तो, नजर मिला कर बचा लो मुझको, यूं पास आकर के दूर जाना, कहाँ से सीखा सिखा दो मुझको, कभी थे हम नूर इस जहाँ के, कभी थे हम नूर इस जहाँ के, ये चांद भी हमसे जगमगाया, मलासी जी कि चांद यूं पास आकर के दूर जाना, कहाँ से सीखा सिखा दो मुझको, यूं पास आकर के दूर जाना, कहाँ से सीखा सिखा दो मुझको। अंतिम चार लाइनें मैं आप तक पहुंचाती हूँ। मैं एक प्यासी कोई नदी हूँ, मैं एक प्यासी कोई नदी हूँ, बिछड़ गया है मेरा किनारा, के बन के चाहत का एक दरिया, के बन के चाहत का एक दरिया, सदा को इसमें मिला लो मुझको, यूं पास आकर के दूर जाना, कहाँ से सीखा सिखा दो मुझको, यूं पास बहुत।